हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप सभी के साथ बहुत ही टेस्टी, फटाफट बन जाने वाली बहुत ही अमेजिंग सी मिर्ची फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ मसाला मिर्ची फ्राई। इसके लिए मैंने हरी मिर्ची में इस तरह से कटिंग्स लगा लिए हैं, आप देख सकते हो। पूरे मिर्ची को कट नहीं करना है, बस नाइफ से थोड़ा सा कटिंग्स लगाना है ताकि वो डिवाइड ना हो। बस एक होता है ना, एक लेयर उनका कट जाए। इस तरह से बीज मैंने रखा हुआ है। अगर आपको छोटे बच्चों को देना हो तो आप बीज निकाल कर मिर्ची फ्राई करके उन्हें दे सकते हो। तो इस तरह से देखिए, मैंने कटिंग्स लगाया है एंड बीज अगर आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हो, बच्चों को खाना हो तो गाइज बहुत ही डिलीशियस एंड स्पाइसी सी रेसिपी आप सभी के साथ मैं चाहती थी शेयर करना। तो ये मिर्ची फ्राई बहुत ही अमेजिंग एंड फटाफट से रेडी हो जाता है खाने में। आपको स्नैक्स में ये मिर्ची फ्राई बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट देता है, खाने का स्वाद दोगुना कर देता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी व्यूवर्स न्यू पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो छोटा सा मैंने पैन लिया है, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। तो छोटा सा ही पैन लिया है, तेल जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी कट किए हुए हरी मिर्चें। मिर्ची को हमें लो फ्लेम पे एकदम आपको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, बट इसका कलर आपको चेंज नहीं होना चाहिए एंड इसमें जो मॉइस्चर है ना वो बरकरार रहना चाहिए। कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका सॉफ्टनेस मेंटेन रहना चाहिए। बट इन्हें फ्राई करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इसे हम फ्राई होने देते हैं लो फ्लेम पे। तो जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, चलिए हम आगे का भी प्रोसेस देख लेते हैं। तो इन्हें फ्राई होने देते हैं, बिल्कुल भी लो फ्लेम पे, फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इधर मैंने लिया है खलबट्टा, इसमें मैं डालूँगी सौंफ। सौंफ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप सभी जानते होंगे। बहुत ही आपको पेट को ठंडा कर पहुँचाता है। गर्मियों के दिनों में खास करके लोग इसके शरबत बनाकर पीते हैं। तो ये मैंने डाला है आपको अजवाइन। अजवाइन आपको डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल करता है एंड ये है कलौंजी। कलौंजी बहुत ही हेल्थ के, ये सारी इंग्रेडिएंट जो मैं डाल रही हूँ कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नमक मैंने डाल दिया है एंड इसे अच्छे से हमें कूट लेना होगा ताकि इसका फ्लेवर जो है उभर कर आए एंड इसकी जो स्मेल है ना, जब सारे इंग्रेडिएंट्स आपको कूट रही हूँ ना मैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। इधर मिर्ची भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो। इसका कलर मैंने बिल्कुल भी नहीं चेंज किया है, बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट किया है। एंड इस मिर्ची को आप बहुत ही तरीके से आपको स्नैक्स में भी खा सकते हो, जैसे आपने पोहा बनाया है उसमें आप इंजॉय कर सकते हो, आलू चॉप बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हो, एज इट इज़ आप खा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसे अच्छे से फ्राई करना है। मसाले जो मैंने कूटे थे वो भी मैंने डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, रेड चिली पाउडर डाल दे रही हूँ। क्योंकि आप सोचोगे कि मिर्ची फ्राई में रेड चिली, तो जी हाँ, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, इससे अच्छा सा आपको कलर आ जाएगा। हींग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो हींग मैंने 1/4 स्पून डाला है। हींग आपको डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल करता है। तो थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसमें स्प्रिंकल करूँगी, ज़्यादा नहीं, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड ये मिर्ची फ्राई आप देखिए, अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल भी लो रखा हुआ है। ये मिर्ची फ्राई को आप 10-15 डेज तक स्टोर करके रख सकते हो एंड बहुत ही अच्छा सा आपको फ्लेवर देता है एंड खाने का स्वाद दोगुना कर देता है। आप एक तरह से सब्जी खाना भूल जाओगे जब ये मिर्ची फ्राई आप अपने खाने में ऐड करोगे। तो बहुत ही अमेजिंग सा हमारा मिर्ची फ्राई ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। एंड सबसे आखिरी इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूँगी वो है लेमन। तो लेमन जो है ऑप्शनल है, आप अगर आप खट्टा खाना चाहते हो तो ऐड करो वरना स्किप कर दो। मैं थोड़ा सा खट्टा वाला फ्लेवर देना चाहती थी तो इसके बीज निकाल कर मैं थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा अचार की ज़रूरत ना पड़े। बहुत तरीके से ये मिर्ची फ्राई आपको खाने का स्वाद बढ़ाता है, अचार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब्जियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे मिक्स करने के बाद हमारा अमेजिंग सा मिर्ची फ्राई विद मसालेदार वाला रेडी हो चुका है। आई होप रेसिपी ज़रूर पसंद आया होगा, बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।